दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास एंड टुडेज टॉपिक इज ऑस्मोसिस मींस हिंदी बोलेंगे परासरण. ओके, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको समझते हैं. वी विल टेक वन कंटेनर इन विच सेपरेट्स टू सॉल्यूशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मतलब एक कंटेनर लेंगे, उसमें दो टाइप के सॉल्यूशन भरे होंगे, यानी कि एक भरा होगा सॉल्वेंट और एक भरा होगा सॉल्यूशन. सॉल्वेंट मतलब जिसमें सॉल्यूट अमाउंट बहुत कम है, यानी लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी केवल सॉल्वेंट होगा. ठीक है, सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, या उसमें सॉल्यूट अमाउंट कुछ ना कुछ मिली हुई है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम झिल्ली. अर्ध पारगम झिल्ली का काम होता है कि उससे केवल विलायक के कण क्या होते हैं, छन पाते हैं, विलेय के कण उसी में रुक जाते हैं. विलायक के कण जो है छन के बाहर निकल जाएंगे, विलेय के कण रुक जाएंगे. मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस मेम्ब्रेन से पास होके निकल जाते हैं और उसमें केवल सॉल्यूट के पार्टिकल रुक जाएंगे. ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है ये पास होके सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से कुछ जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो दूसरी तरफ आ जाएंगे. मान लिया हमने इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों के कंसंट्रेशन मतलब दोनों की सांद्रताएं जो है आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब C1 इक्वल टू C2 आपस में बराबर हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं. ओके, दोनों कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाएंगे. मतलब इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा, द नेट फ्लो ऑफ टू सॉल्यूशन इन विच लोअर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्वेंट मूव्स इनटू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मूव्स इनटू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एट विच कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन वुड बिकम इक्वल. मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा उनका सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. इसी प्रोसेस को दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. फिर समझ लेते हैं, दो टाइप के हमने सॉल्यूशन लिए जिसमें एक की सांद्रता कम है दूसरे की सांद्रता ज्यादा है. एक की सांद्रता हमने C1 मान ली, दूसरे की सांद्रता C2 मान ली. दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, दोनों के बीच हमने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम झिल्ली. ठीक है, तो अब इसके क्या होता है, जो विलायक के कण मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल वो सॉल्यूशन की तरफ आने लगेंगे और सॉल्यूशन में से जो विलायक के कण होंगे वो क्या आने लगेंगे, सॉल्वेंट की तरफ आने लगेंगे, जिससे इनका दोनों का सांद्रताएं मतलब कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाएगा. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं. इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं. दो टाइप के एग्जांपल होते हैं प्रोसेस, एक एक्सोऑस्मोसिस एक एंडोऑस्मोसिस. सबसे पहले एक्सोऑस्मोसिस समझते हैं. तो एक्सोऑस्मोसिस से हमने क्या लिया, एक हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन ले लिया, किसी लवण का गाढ़ा सॉल्यूशन ले लिया कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें हमने अंगूर डाल दिया ग्रेप डाल दिया. ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर बाद हम लोग देखें जो अंगूर होगा वो श्रिंक हो जाएगा मतलब पिचक जाएगा, उसके अंदर का सारा जो पानी है सारा जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है, सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाता है, इसके कारण हो गया पिचक जाता है. ठीक है, स्वेल श्रिंक हो जाता है. तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, मतलब जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस मतलब बाह्य परासरण. और दूसरा होता है एंडोऑस्मोसिस मतलब अंतःपरासरण. इसका मतलब होता है, इसका उल्टा करेंगे हम लोग, एक ड्राई ग्रेप ले लेंगे, सूखा अंगूर ले लेंगे, कोई ड्राई ग्रेप मतलब कोई रेजिन ले लेते हैं, उसको हमने डाल दिया जल वाटर में, डाल दिया वाटर में डिप कर दिया, कुछ देर बाद देखें जो अंगूर होता है वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. इसका मतलब ये है कि इसके जो ग्रेप के अंदर जो पानी है वो अंदर चला गया, जिसके कारण अंगूर जो हो गया वो क्या हो गया, फूल गया. ठीक है, अंगूर फूल गया, इसके अंदर जो पानी है और इसमें जो ऑलरेडी क्या लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑलरेडी इसके अंदर जो भी नेचुरल चीजें होती है उसमें लगी होती है. ठीक है, अर्ध पारगम झिल्ली लगी होती है, पानी जो होगा इसके अंदर चला गया, इसके आने क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. तो पानी जो होता है मतलब ऑस्मोसिस जो हो रहा है अंदर बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एंडोऑस्मोसिस मतलब अंतःपरासरण. ठीक है, ये होता है आज हमने देखा ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस. ओके, अब बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की. तो आइए आप बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब क्या होता है, इसको देख लेते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. देखिए परासरण दाब जो होता है सिंपल हम लोग कैसे सकते हैं, परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो परासरण दाब होता है. परासरण को रोकने के लिए मतलब ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के
सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक बना लिया इस तरीके से, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये इसको दो सेपरेट कर दिया, बीच में एसपी लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। इधर हमने विलयन भर लिया, मतलब सॉल्यूशन भर लिया, और इस तरफ हमने भर लिया क्या भर लिया, सॉल्वेंट भर लिया। तो हम लोग देखेंगे क्या कि सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। इधर हमारे पास एक पिस्टन लगा है जिससे हम लोग दाब लगाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल प्रोसेस होकर इधर जाने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा, अब हम लोग एक दाब लगाते हैं, जितना भी हम लोग कम दाब लगाएंगे, जितना भी मिनिमम दाब हम लोग लगाएंगे, उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब परासर दाब, मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वापस उनको बैक करने के लिए जो हम लोग दाब लगाते हैं, जितना हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जितना अप्लाई करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो प्रेशर जितना प्रेशर गेज यानी कि जितना भी मैनोमीटर में आ जाएगा उतना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। जितना भी कम से कम दाब, जितना भी भारी कम से कम दाब परासरण यानी कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना भी बाहरी कम से कम दाब लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ओके। ये होता है परासरण दाब। इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो पाई बराबर होता है एन अपॉन बी एस टी, और पाई को हम लोग कहते हैं परासरण दाब, एस कहते हैं विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक का जो मान होता है 0.021 होता है, ये होता है परासरण दाब, ठीक है। पाई इक्वल टू एन की जगह हम लोग डब्ल्यू अपॉन एम इन टू बी भी रख सकते हैं एस टी, ठीक है। n को लिख सकते हैं w upon m, ज्यादातर क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, और एक n upon b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CST, c मतलब सांद्रता है, इसमें क्या आएगा, सांद्रता मतलब सांद्रण, ओके, सांद्रण कहलाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं, नेक्स्ट क्लास बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ही, ओके, थैंक यू।